नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की। सोने चांदी में आप देखिए कि एक्शन बिल्कुल नहीं है, एक रेंज बाउंड ट्रेड है। 62,100 के आसपास MCX पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है और चांदी का मार्केट बहुत ही एक रेंज में है और सिल्वर में भी कोई बड़ा एक्शन इस वक्त दिख नहीं रहा है, 71,232 के स्तर पर है। हमारे साथ वंदना भारती हैं SMC ग्लोबल की। वंदना जी बहुत स्वागत है आपका, क्या करें आज के लिए सोने में गोल्ड में? मिस्टर जी, जैसा बता रहे थे बहुत डल ट्रेड है यहाँ पे और डॉलर इंडेक्स में लग रहा है कि एक पुल बैक आ सकता है, बिल्कुल साइडवेज वो भी है, तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में तो एक बार 62,150 के करीब फिर से सेलिंग आ सकती है और जो टारगेट होगा तो ऊपरी स्तर पे, यहाँ पे मैं बिकवाली की ही सलाह दूंगी। गोल्ड में मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार फिर से 62,150 के करीब बिकवाली करनी चाहिए, 62,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 62,225 का। सिल्वर में यहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा लग रही है, मुझे लग रहा है कि 71,200 पे भी हम सेल करते हैं तो एक बार 71,000 का जो आंकड़ा है वो टूटना चाहिए, नीचे का टारगेट होगा 70,700 का, स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पे लगा के चलना होगा 71,350 का। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही काउंटर में सुना और लेटर यहाँ पे एक बार सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, ये राय आपकी हो गई सोने पर और चांदी पर। क्रूड पर आपका व्यू कच्चे तेल में क्या करें? इसमें मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है यहाँ पे, तो सेलिंग साइड में ही मैं यहाँ पे जाना चाहूंगी। करीब करीब आज के दिन में सेलिंग आ चुकी है लेकिन एक बार 64-60 के करीब भी सेलिंग स्ट्रेटजी को अपनाया जा सकता है। जो यहाँ पे टारगेट होगा 63-80 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 64-70 का। मुझे लग रहा है कि आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बार 63-80 से लेके 63-70 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपके हो गई कच्चे तिल पर। मेटल पर आपका व्यू क्या है, बेस मेटल में क्या करें? बेस मेटल में कॉपर ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है और मुझे लग रहा है कि वो ऊपरी स्तर पे थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पे रह सकता है, लेकिन मूवमेंट अगर डाउनसाइड का ही देखे तो क्लैरिटी ज्यादा जिंक में है। 213 के करीब यहाँ पे बिकवाली की ही सलाह रहेगी, 211 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना चाहिए 214 रुपए का। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 210 की तरफ भी दिखा सकता है जिंक में। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेटल के ऊपर। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चा तेल आपको कैसा लग रहा है? क्रूड में अगर थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो क्या करना चाहिए? क्रूड में मृत्युंजय जी, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग कमोडिटी है, 6,000 से नीचे ये कमोडिटी बहुत ज्यादा नहीं टिकती, 58,100-57,000 के करीब यहाँ पे फिर से बाइंग आ जाती है। फिलहाल में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक शॉर्ट टर्म में फॉल दिखा सकता है, यहाँ पे 63.50 से लेके 63.00 तक का जो एक मूव है वो देखने को मिलेगा, लेकिन वहां से बाइंग फिर से रिटर्न आएगी और अपसाइड जो है कहीं ना कहीं 6,600 के करीब किप्ट है। तो मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में 7,300 से लेके 6,600 तक एक बार सेलिंग और बाइंग दोनों की अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी, जब तक कि यहाँ पे पीक डिमांड सीजन क्रूड का नहीं आता है। अच्छा, नेचुरल गैस पर कोई व्यू आपका वंदना जी? NG में कुछ लगता है आपको करना चाहिए? बहुत संभल के चलने की मार्केट है, ये काफी दिनों के बाद एक पुलबैक दिखा रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इस पर रिलाय नहीं करना होगा, अभी बॉटम आउट मेरे हिसाब से ये नहीं हुआ है और काफी स्ट्रॉन्ग रीजंस यहाँ पे है क्योंकि क्रूड इसका प्रोडक्शन मतलब क्रूड के साथ हो रहा है, US में बाय प्रोडक्ट की तरह हो रहा है और काफी रिकॉर्ड प्रोडक्शन की तरफ ये जा रहा है। तो इस कमोडिटी में आज के दिन में थोड़ी सी यहाँ पे कह सकते हैं कि पुलबैक आया है, 133 के करीब यहाँ पे एक बाइंग की सलाह रहेगी, 137 का टारगेट होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 131 का। मुझे लग रहा है कि इतनी गिरावट के बाद एक बाउंस आ रहा है लेकिन इस बाउंस को यहाँ से एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना होगा, बस ये इंट्राडे एक बाइंग मुझे लग रही है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए, इंटरडे की बाइंग आपको लग रही है। अब आते हैं एग्री पे। एग्री में कुछ आपको दिख रहा है? अगर हम जीरे से शुरुआत करें तो जीरा आज दिख रहा है, तेजी टिकेगी, क्या करें जीरे में? मृत्युंजय जी, जीरा में हमेशा मैंने कहा है कि 25,000 बहुत बढ़िया लेवल होता है जहाँ पे कि ये एक बार फिर से बाइंग दिखाता है और ऊपर की तरफ 28,000 से 28,500 तक का एक लेवल होता है जहाँ ये फिर से रेजिस्टेंस से कमोडिटी फेस करती है। अभी यहाँ पे फिर से ये कमोडिटी सपोर्ट से उठी है और आज के दिन काफी अच्छा ट्रेड हो चुका है ऑलरेडी 4.5% का,
तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग नहीं कहना चाहिए, 27,100 के करीब या 27,000 के करीब भी यहाँ पे अगर बाइंग करते हैं, ऊपर में मुझे प्राइसेस लग रहा है कि एक बार 27,600 आएगा, स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 26,750 का, और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि 27,500 से लेकर 28,000 तक का जो लेवल है इस हफ्ते में आता हुआ हम देख सकते हैं। तो ये जो हफ्ता है ये रिकवरी का हो सकता है जीरे के लिए। ठीक है, ग्वार पर आपका व्यू क्या है, ग्वार में क्या करें? बड़ी शॉर्ट बाइंग इसमें मुझे लग रही है ग्वारगम में, बहुत छोटे से टारगेट के लिए बाइंग सजेस्ट करना चाहूंगी, 10,375 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी, 10,500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,300 का। टर्मरिक पर आपका कोई व्यू वंदना जी, टर्मरिक में क्या करें? टर्मरिक अच्छी कमोडिटी है, यहाँ पे आज इसने एक अपसाइड दिखाया है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पोजिशनली भी अगर बाय लेके चलते तो ये कमोडिटी स्ट्रांग है, 15,750 नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी, उसमें ज्यादा मूवमेंट है, वहां पे बाइंग करनी चाहिए, मेरा टारगेट यहाँ 16,200 का होगा, स्टॉप लॉस करीब करीब लगाना होगा 15,550 का। ठीक है, अच्छा कोरिएंडर पर मैं कोरिएंडर में अभी आपको लगता है ट्रेड लेना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा ये कमोडिटी बिल्कुल स्लगिश हो गई हुई है मृत्युंजय जी, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है जब तक 76.20 का लेवल पार ना करे तब तक यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए, एक बार टेक्निकली ये लेवल मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है तो 76.20 के बाद यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, जो टारगेट यहाँ पे होगा करीब करीब 7,700 का होगा, स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 75.85 का, ये कमोडिटी स्ट्रॉन्ग है, एक बार 78.50 तक दिखा सकती है, लेकिन जो ड्यूरेशन होगा ट्रेडिंग का वो करीब करीब हफ्ता से 10 दिन तक का हो सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कोरिएंडर के ऊपर। कैस्टर पर आपका व्यू वंदना जी, कैस्टर में क्या करें? कैस्टर मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा स्लगिश होगा, काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई थी दो कमोडिटी ने मूव, कॉटन ऑयल सीड केक और कैस्टर ने, अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है, तो मेरे ख्याल से 56.90 ये एक लेवल रहेगा जहाँ सेलिंग करना चाहिए, 56.40 का टारगेट रखना होगा, 40 रुपए तक मुझे यहाँ पे 50 रुपए तक गिरावट लग रही है, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 57.10 का। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कैस्टर पे, इस पर भी आप नज़र बनाकर चलें। ये तो हमने बात की, लेकिन अब मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये तो ठीक है शॉर्ट टर्म इंट्राडे की बात आपने बताई कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो गोल्ड में, है ना, निवेश करना चाह रहा हो, तो क्या उनको इस भाव पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए साल दो साल के लिए गोल्ड में वंदना जी? मृत्युंजय जी मेरे पास बहुत सारे रीजंस है जिसको देख के मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे उनको बिल्कुल करना चाहिए, एक तो क्या है कि 24 को इलेक्शन ईयर माना गया है, इलेक्शन ईयर जब भी रहा है और काफी बड़े बड़े कंट्रीज में यहाँ पे इलेक्शंस हैं तो टॉप इकोनॉमीज में, तो जब भी इलेक्शन ईयर रहा है तो गोल्ड में एक तो यहाँ पे निवेश जो है वो बनता है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग यहाँ पे हो रही है, कंसर्न ETF आउटफ्लो का है, लगातार 3 सालों उन लोगों ने आउटफ्लो आता हुआ देखा है, लेकिन इक्विटी की वैल्यूएशन अभी ओवर वैल्यूड है और एक एक्सपेक्टेशन है इस बार करेक्शन का, तो वो करेक्शन जो है गोल्ड को एक पुल बैक देगा, एनवायरमेंट एक से दो इंटरेस्ट रेट कट होने का तो इस बार बन रहा है, 3 नहीं लेकिन 2 इंटरेस्ट रेट कट अभी भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो मेरे ख्याल से 2 साल का आपने टाइम पीरियड बोला है, ये 2 साल में कम से कम हम 5 इंटरेस्ट रेट कट आता हुआ एक्सपेक्टेशन है कि हम देख सकते हैं, तो 5 इंटरेस्ट रेट कट में गोल्ड में कम से कम यहाँ पे 10-15% तक का जो रिएक्शन है वो यहाँ पे आना चाहिए अगर हम हिस्टोरिकली इसे कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा लो यहाँ पे नहीं है, कंसर्न है, और एक अगर ट्रिगर यहाँ पे अच्छा हो जाता है वो है मॉनसून, अगर मॉनसून यहाँ पे बढ़िया होता है तो मेरे ख्याल से फिजिकल बाइंग इंडिया में भी अच्छी होगी, तो सेंट्रल बैंक्स बाइंग फिजिकल बाइंग यहाँ पे अगर अच्छी हो जाती है तो ETF बाइंग को वो कवर अप कर लेगा, ETF आउटफ्लो को वो कवर अप कर लेगा, और मेरे ख्याल से 2 साल जो है ये जाना जाएगा इंटरेस्ट रेट कट के लिए, तो उसकी वजह से भी हम यहाँ पे गोल्ड में एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं, तो करीब करीब अगर हम रियलिस्टिक टारगेट लेके चले, बहुत एक्सट्रीम साइड हमें नहीं जाना चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट यहाँ पे अगर हम लेके चले तो मेरे ख्याल से 68,000 से 69,000 तक का 2 साल का यहाँ पे टारगेट लेके हम चल सकते हैं, अगर रैली यहाँ पे मेजर हुई तो मेरे ख्याल से एक बार 72,000 का लेवल कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे गोल्ड के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपकी राय है लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड पर कि लंबे समय के लिए आपको सोने में करना क्या है। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं खबर की, प्याज को लेकर चर्चा बहुत हो रही है, बड़ा कंफ्यूजन भी है एक्सपोर्ट को लेकर के, तो आपका इस पूरी जानकारी के लिए और वंदना जी आपका भी शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।